हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं लेक्चर नंबर 14 लेकर आपके साथ में जुड़ा हूँ। वो स्टूडेंट्स जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को कवर करते हुए एक स्पेशल लेक्चर सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई थी, जहां पर हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को समझने में और उन्हें आंसर करने में हमें मदद करती हैं। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 13 लेक्चर्स जो है वो मौजूद है, जिनमें डिटेल से हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। इस लेक्चर में हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है, इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपका एजुकेटर हूं, आपका मेंटोर हूं। आप जुड़े हैं देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, जो कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो जब एग्जाम सबसे बड़ा है तो उसकी तैयारी भी उतनी ही शानदार होनी चाहिए। तो अपनी तैयारी को स्टार्ट करें देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के साथ। अन अकेडमी पर आपको बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स, जो देश की टॉप फैकल्टी है, उनकी गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिलता है। दोस्तों, इसके लिए आपको हमारे वेरियस बैचेस में एनरोल करना होगा। आरंभ नाम से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, इस बैच में आपको एनरोल करना है। दोस्तों, हमारे कोर्सेज में जुड़ने के लिए आपको यूज़ करना है ये कोड SAR10। आपके लिए प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज जो है वो मौजूद है, जिनको आप 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ्स के ड्यूरेशन के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने समय में एग्जाम देने वाले हैं। जितनी भी अवधि के लिए आप एग्जाम हमारा कोर्स परचेज करते हैं, उस समय में आपको बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स द्वारा कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन कराया जाएगा। आपको हमारे साथ जुड़ना है, यूज़ करना है ये कोड SAR10। ये कोड आपको हमारे सभी बैचेस में मैसिव डिस्काउंट्स दिलाएगा। दोस्तों, आरंभ बैच के हिसाब बन सकते हैं, बाइलिंगुअल बैच है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कंप्लीट UPSC कवरेज यहाँ पर होगी। NCERT, CSET सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। CSET के लिए आप इंडिविजुअली अगर जुड़ना चाहते हैं तो एक बेहतरीन बैच जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये सब चीज़ें आपको नो कॉस्ट EMI के साथ मिलती है, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना है। ये सारा का सारा छोटा अमाउंट जो है वो छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आप पे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एज लो एज 4,364, मात्र 4,364 रुपये महीना देकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये नॉर्मल एक स्कूल या कॉलेज की आजकल ट्यूशन की फीस इतनी होती है। सो इतना अमाउंट पे करके आप हर महीने के लिए छोटा छोटा अमाउंट पे करते हैं, तो आप देश के सबसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और आप भविष्य में ब्यूरोक्रेट के रूप में इस देश की सेवा कर सकेंगे। दोस्तों, CSET और UPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। 1,999 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 45 GS और 10 CSET टेस्ट मिलेंगे आपको, अगर आप यूज़ करते हैं ये कोड SAR10। तो दोस्तों, IRMS के लिए बैचेस जो है वो स्टार्ट किए गए हैं, सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी पर। दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें, हम स्पेस टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर चुके थे, प्लेनेटरी सिस्टम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी की। रक्षा प्रौद्योगिकी का, डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक लेक्चर हमने ऑलरेडी डिलीवर किया है, वो शायद आपने देखा होगा, जहां पर हमने आर्टिलरी व्हीकल्स की बात करी थी, कुछ आर्टिलरी वेपन्स जो कि भारतीय सेना के पास मौजूद है, भारत की आर्म फोर्सेस के पास मौजूद है, उनके बारे में हमने बात करी थी। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। आपने जरूर सुना होगा वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स जो भारत के पास है। मिसाइल क्या होता है सर? हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ा था, तो लॉन्च व्हीकल से ही मिलता जुलता डिजाइन जो है वो मिसाइल का भी होता है। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट यूज होता है, बस डिफरेंस इतना है कि जो लॉन्च व्हीकल था उसके टॉप में यहां पर होता है पेलोड। पेलोड क्या हो सकता है दोस्तों? कोई सैटेलाइट हो सकती है, कोई भी इक्विपमेंट जो हम स्पेस में सेट करना चाहते थे, ये इस एरिया के अंदर पेलोड होता है। स्पेस में पहुंचकर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो ओपन अप होता है, इससे सैटेलाइट बाहर निकल जाता है। सो ये उसको लॉन्च व्हीकल बनाता है। वैसे ही ऐसा ही दिखने वाला एक डिवाइस जिसके यहाँ पर पेलोड ना रहकर वॉर हेड होता है, वॉर हेड यानी असला बारूद जिसमें रहता है, वो कहलाता है मिसाइल। तो ये एक रॉकेट प्रोपेल्ड डिजाइन है, जिस तरीके से लॉन्च व्हीकल रॉकेट चलता है उसी तरीके से ये प्रोपल्शन इसकी होती है। ये एक रॉकेट के ही डिजाइन का वेपन है, जिसके इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें एक एक्सप्लोजिव वॉर हेड रखा जा सके, जिसे बहुत ही एक्यूरेसी से, बहुत सटीकता से, बहुत उच्च गति पे एक लक्ष्य पर जो है वो केंद्रित किया जा सकता है, इसको एक टारगेट पे हिट किया जा सकता है। इसमें एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं हुई तो सर ये मिसाइल, ये वॉरहेड जो है वो किसी दूसरी जगह पे जाकर के अटैक कर सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। अगर हम बात करें मिसाइल्स की, तो भारत के पास विभिन्न प्रकार की मिसाइल्स है। मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे सबसे पहले आती है क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का क्या अर्थ है, इसके बारे में समझते हैं। तो क्रूज मिसाइल्स वो हैं जो कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं, पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये मूव जो है वो करती हैं, ये कंट्रोल नहीं की जाती। क्रूज का क्या, जो
सॉरी ये कंट्रोल की जा सकती है, दे कैन बी कंट्रोल, इसे क्रूज किया जा सकता है। अब कंट्रोल का क्या अर्थ है दोस्तों, दो टाइप के मिसाइल सिस्टम्स हैं। मान लीजिए ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ये हमारी क्रूज मिसाइल्स हैं। ये क्रूज है, ये बैलिस्टिक है। यहां से निकलने वाली जो मिसाइल है ना, मान लीजिए यहां एक टारगेट था, मैंने इस टारगेट को सेट किया और मिसाइल को लॉन्च कर दिया, राइट। यही सेम मैंने बैलिस्टिक के साथ भी किया, ये हमारा टारगेट था, ये टारगेट वन रख लीजिए, ये टारगेट टू रख लीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल से मैंने टारगेट को सेट किया, माय मिसाइल को शूट कर दिया। लेकिन अगर ये टारगेट मोबाइल हुआ, यानी ये टारगेट मूव कर सकता है, जब तक हमारी मिसाइल, इवन दो बहुत तेजी से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी कुछ समय तो लगेगा ना, अगर मिसाइल के लॉन्च होते ही ये टारगेट अपनी जगह से हट जाता है, मान लीजिए इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया, तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है उस टारगेट के ऊपर, ये इस जगह पर जाकर ही हिट करेगी जहां पे अब टारगेट नहीं है। लेकिन एक बार जब इसे फायर कर दिया, उसके बाद हमारा इसके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब जो इस्तेमाल की जा रही है वो है क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल यानी रास्ते में भी इसकी स्पीड या डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि अगर ये टारगेट अपनी जगह से हिल भी जाता है, तो तब भी हम इस मिसाइल की डायरेक्शन जो है वो रास्ते में चेंज कर सकते हैं, ताकि ये टारगेट को मिस आउट ना कर सके। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है सर, वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलती हैं। व्हाट इज दिस प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन का अर्थ होता है, आपने बचपन में देखा होगा, एक बॉल हम फेंकते हैं, सो इस तरीके से हमने बॉल ऊपर की ओर फेंकी और कुछ समय के बाद वो इस तरीके से नीचे आकर के गिर गई। सो एक बार हमने बॉल जब थ्रो कर दी, उसके बाद उस बॉल पे हमारा किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता है। वो अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करेगी और उसके बाद किसी जगह पे जाके हिट करेगी। बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या होता है कि जब हम एक टारगेट सेट करते हैं, तो वो मिसाइल अपने आप एक पर्टिकुलर स्पीड और एक पर्टिकुलर एंगल पे ऊपर जाती है, ताकि उतनी स्पीड पे एक मैक्सिमम पॉइंट वो अटेन करे, और वहां से जब वो वापस जमीन पर गिरती है, तो वो सटीकता से उस टारगेट को हिट करे। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स है। लेकिन एडवांस्ड वर्जन में क्रूज मिसाइल्स है, जिनको हम जर्नी के दौरान, उनके पूरे के पूरे इस मोशन के दौरान कंट्रोल कर सकते हैं। सो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का क्या डिफरेंस, आई होप हमको क्लियर हुआ होगा सर। अब अलग अलग टाइप्स की मिसाइल्स हैं। सबसे पहले मिसाइल्स के जो अलग टाइप्स हैं, दे आर एज पर द लॉन्चिंग मोड, किस तरीके से उन्हें लॉन्च किया जाता है, उस हिसाब से मिसाइल्स जो है वो किस तरीके की हैं। सर हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, सरफेस टू सी मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू सरफेस, सी टू सी और सी टू सरफेस। हमारे पास तीन प्रकार की आर्म फोर्सेज हैं, आप सभी जानते हैं, थल सेना, वायु सेना और नेवी या जल सेना से कहा जाता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दीज थ्री फोर्सेस? एक गार्ड करती है हमारे लैंड एरियाज को, एक गार्ड करती है देश के एरियल जोन को, और एक गार्ड करती है देश के वाटर्स को, राइट। लैंड यानी सरफेस, एयर एटमॉस्फेयर जहां पे जो हमारी टेरिटरी के ऊपर का एयर स्पेस है, और वाटर यानी कि सी और ओशियन। अब तीन टाइप की मिसाइल्स हैं। सबसे पहली मिसाइल्स होंगी जो सरफेस से वार करेंगी और सरफेस पर जाएंगी, ठीक है जी। हमने जमीन से वार किया और जमीन पे ही हमारा टारगेट था। दूसरी है सरफेस से वार किया और हवा में, जमीन से वार किया, हवा में कोई दुश्मन का ड्रोन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, उसे निशाना बनाया। देन हमारे पास तीसरी टाइप की मिसाइल है सरफेस टू सी, ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास सी टू सरफेस मिसाइल भी होती है, यानी कि हमने समुद्र से मार किया और सरफेस के ऊपर अटैक किया, हवा से हवा में अटैक किया जा सकता है, कि हवा में जैसे हम देखते हैं जो एरियल वेपन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट के अंदर लगाए जाते हैं, वहां से हवा में ही एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। हवा से समुद्र सरफेस पे अटैक किया जा सकता है, हवा से समुद्र में अटैक किया जा सकता है। इस तरीके से अलग अलग जगह से लॉन्च करने के आधार पर मिसाइल जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। सो नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस दिस टर्म्स के सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होती है, तो वी शुड नो दिस। सबसे पहले हमारे पास आ गई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, देन सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी। देन आती है मिसाइल टाइप्स एज पर रेंज, रेंज यानी कि कितना डिस्टेंस वो कवर करते हैं, दी डिस्टेंस दीज मिसाइल्स आर एबल टू कवर, दिस इज नोन एज द रेंज ऑफ द मिसाइल। सो डिस्टेंस के आधार पर तीन प्रकार की मिसाइल्स हैं। एक होती है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, जिनका
जो वार करने की क्षमता है वो 1000 किलोमीटर तक है, यानी कि आपने एक जगह से इसको लॉन्च किया और 1000 किलोमीटर के बीच में अगर आपका टारगेट है ये उसको हिट कर जाएगी, ये कहलाती है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। देन हमारे पास मीडियम रेंज मिसाइल्स है। मीडियम रेंज मिसाइल कितनी है? 1000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर के बीच में वार करने वाली मिसाइल जो है वो मीडियम रेंज कहलाती है। देन हमारे पास है लॉन्ग रेंज मिसाइल, जब हम 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर वार करना चाहते हैं वो लॉन्ग रेंज मिसाइल बन जाती हैं। इस लॉन्ग रेंज को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी कहा जाता है, कि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि अगर एक कॉन्टिनेंट से आप वार करते हैं तो ये दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाकर हिट कर सकती है। सो इसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे पास आती है मिसाइल्स एज पर प्रोपल्शन। प्रोपल्शन पहले हम ये समझेंगे कि मिसाइल या जो रॉकेट है उसके अंदर वो काम कैसे करता है। सो दोस्तों, जो ज्यादातर हमारे पास मिसाइल्स इंजन है वो रैमजेट इंजन जो है वो यूज करते हैं। रामजेट इंजन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर क्या है, एक फ्लेम जो है वो बर्न हो रहा है जिसमें फ्यूल जलाया जा रहा है, और इस फ्यूल को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है वो हवा जो है वो अंदर की तरफ आती है, उसको कंप्रेस करके इस फ्लेम के ऊपर डाला जाता है ताकि ये फ्लेम जो है वो बर्न हो सके, और यहाँ से उस फ्लेम के बर्न होने के बाद एग्जॉस्ट जो है वो निकलता है। ये फिनोमिनन जो है वो यूज किया जाता है, इससे मिसाइल जो है वो चलती है। इसके बाद हमारे पास आता है एक इम्प्रोवाइज्ड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रामजेट मिसाइल, जिसे हम कहते हैं SC रामजेट, इसे स्क्रैमजेट भी कुछ कई जगह पर कहा जाता है। ये है सुपर कम्बशन। रामजेट में हमारे पास कम्बशन हो रही थी, यहाँ पर सुपर कम्बशन हो रही है, यानी कि बहुत तेजी से फ्यूल बर्न कर रहा है जिस वजह से उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। इट ऑपरेट्स एट हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक आपने सुना होगा, सोनिक शब्द रिलेटेड है स्पीड ऑफ साउंड से। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि जो है वो कितनी गति से चलती है वो सोनिक कहलाता है। हमारे पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट और बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं वो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक है, यानी कि वो ध्वनि की गति से भी ज़्यादा तेज चलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कभी आपने जैसे सर्दी का मौसम आता है लोग धूप में बैठते हैं, तो कभी आपने शायद धूप में बैठ के नोटिस किया होगा कि आसमान से एक जहाज़ जो है वो गुजर रहा होता है, लेकिन जहाज़ की आवाज़ जो है वो बाद में आती है, लेकिन जहाज़ जो है वो पहले निकल जाता है। कभी नोटिस किया है कि जहाज़ आपको जाता हुआ दिखा और उसके बाद वो उस जहाज की आवाज जो है वो सुनने को मिली? क्यों? क्योंकि सर, जब तक उसकी उस जहाज की स्पीड जो है वो उसकी साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज थी। कि हमें पहले जहाज दिखा तो जहाज हमें सामने दिखा, लेकिन उसकी स्पीड साउंड जो है वो हम तक पहुंचने में उसको समय लगा, तो जहाज हमें क्रॉस कर चुका था, उसके बाद वो साउंड हमारे तक पहुंची। इस तरीके की मिसाइल्स को, इस तरीके के एयरक्राफ्ट को जो है वो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक कहा जाता है। तो इनके लिए सुपरसोनिक कम्बशन रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। देन हमारे पास क्रायोजेनिक मिसाइल्स हैं। इस तरीके की क्रायोजेनिक की बात हमने लॉन्च व्हीकल्स में भी करी थी। सो लॉन्च व्हीकल का और मिसाइल का ऑलमोस्ट कंसेप्ट जो है वो सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि वहां पर पेलोड होता है, यहाँ पर वॉरहेड होता है। क्रायोजेनिक है जो बहुत ही लो टेम्परेचर में, बहुत ही कम तापमान में मार कर सकते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ क्रायोजेनिक फ्यूल। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स है। देन हमारे पास आती है मिसाइल्स एज पर दी वॉरहेड। वॉरहेड यानी कि जो एक्सप्लोजिव, जो बारूद हमने उसमें डाला है वो किस प्रकार का है? तो सर, वॉरहेड्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल वॉरहेड। कन्वेंशनल वॉरहेड क्या है? जो पहले समय से जैसे बंदूक की गोली होती है, हैंड ग्रेनेड होता है, उसके अंदर गन पाउडर इस्तेमाल किया जाता था। सो गन पाउडर क्या है? उसके अंदर कुछ मेटल पीसेज रहेंगे, गन पाउडर होगा, वो जहाँ भी जाके ब्लास्ट होगा वहाँ से वो मेटल पीसेज और गन पाउडर जो है वो आसपास की चीज़ों को नुकसान पहुँचाएंगे। सो ये कन्वेंशनल वॉरहेड था। जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो है स्ट्रेटेजिक वॉरहेड। इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, यानी कि इससे न्यूक्लियर वेपन जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी थी, कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उससे बहुत कम समय में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इतनी ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो आसपास की चीज़ों को एकदम से भाप बना दे। सो उस तरीके का वॉरहेड जो है वो इसमें होता है। जब भी स्ट्रेटेजिक वॉरहेड या स्ट्रेटेजिक मिसाइल किसी लोकेशन पे हिट करती है, एकदम से वो चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, और उसकी वजह से आसपास के इलाके में काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की महत्वपूर्ण मिसाइल्स की, तो इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था जिसे IGMDP के कहा जाता है।
IGMDP इसकी शुरुआत की गई थी डॉक्टर कलाम के द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, देश के भूतपूर्व महामहिम राष्ट्रपति भी रहे। इनका योगदान चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे देश की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, वो अतुल्य है। इन्होंने इस इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल्स बनाई थी जिन्हें पटना के नाम से जाना जाता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पटना सर, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। माननीय डॉक्टर कलाम जी ने भारत के इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, इसी कारण से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए काफी अहम भूमिका निभाई थी। पटना मिसाइल का सर क्या अर्थ है? 5 प्रकार की मिसाइल्स हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 टाइप की मिसाइल्स जो हैं, ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट थी। ये मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज, मीडियम रेंज कितनी है, 1000 से 5000 या 5000 से ज्यादा जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है, तो ये 1000 से लेके 5000 के बियॉन्ड जो है वो वार कर सकती है। ये अग्नि मिसाइल है। अग्नि क्या है? प्रकृति के 5 तत्वों में से एक जो है वो अग्नि मिसाइल कहलाती है। अग्नि के अलग अलग वेरियंट्स हैं, जैसे अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है। ये सारी की सारी सरफेस टू सरफेस वार करती हैं। अग्नि 1 700 से 900 किलोमीटर तक वार करती थी, अग्नि 2 2000 किलोमीटर तक, अग्नि 3 3000 से 3500 किलोमीटर तक, अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर तक, और अग्नि 5 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी को के लक्ष्य को बाधित भेदित कर सकती है। इसमें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार की दिखती है भारत की अग्नि मिसाइल। ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन रहता है, इसमें मौजूद होता है आपका वॉरहेड। दोस्तों अगर हम इंपॉर्टेंट मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है। भारत और रशिया ने मिलकर के ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो बनाई थी। ये मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल यानी कि इसके मोशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से या लैंड से जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। ये ज्वाइंट वेंचर था भारत और रूस का। भारत और रशिया ने मिलकर के ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम तैयार किया था, जिस वजह से इसे नाम दिया गया है ब्राह्मोस। दोस्तों भारत की इंपॉर्टेंट नदी ब्रह्मपुत्रा और रशिया की इंपॉर्टेंट नदी मॉस्कोवा, सो ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्म और मॉस्कोवा का मॉस मिलकर के बनता है ब्राह्मोस। सो ब्राह्मोस जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि बहुत दूर के लक्ष्य को निस्तो नाबूद कर सकती है, बहुत ज़्यादा तबाही बसा सकती है। तो कुछ इस प्रकार की दिखती है ये ब्राह्मोस मिसाइल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, और आपको ध्यान रखना है जब भी न्यूज़ के अंदर कोई मिसाइल टेस्टिंग की खबर आती है, कोई मिसाइल लॉन्चिंग की बात आती है, तो डेफिनेटली हमें ध्यान रखना है कि वो कौन सी टाइप ऑफ मिसाइल है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों ये था डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिसाइल टेक्नोलॉजी का पूरा डिस्कशन। कल हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को और आगे की डिस्कशन में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आई होप हम विस्तार पूर्व के आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए आपको बने रहना है हमारे चैनल पाथफाइंडर पे। और अगर आप चाहते हैं UPSC एग्जाम को क्वालिफाई करना, आपको जुड़ना है अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में यूजिंग दिस कोड SAR10। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट दिलवाएगा हमारे सभी कोर्सेज पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।